नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, अच्छी क्वालिटी की कंपनी पे बड़े इन्वेस्टर्स किस तरीके से भरोसा करते हैं, आज इसका एकदम परफेक्ट एग्जांपल देखने को मिला है हमें। हम सभी क्या करते हैं, पैसा लगाते हैं और पैसा लगाते ही पैसा बनाना चाहते हैं, और अगर शेयर का प्राइस हमारे विरोध में चला जाए तो फिर हम कंपनी को खराब कहने लगते हैं। एक्चुअली में ये तरीका ही गलत है रिसर्च करने का। जितनी रिसर्च करनी है पहले कर लो, उसके बाद अगर प्राइस घटे तो केवल और केवल खरीदने के बारे में ही सोचना चाहिए, ये है सही तरीका। हम जब कोई चीज खरीदने जाते हैं तो हमें प्रोडक्ट सिलेक्ट करना होता है, और कभी कभार अगर मैं छोटे लेवल पे एग्जांपल दूं तो अगर आपको कोई चीज पसंद आ गई फ्लिपकार्ट या अमेजोन पे, तो आप कभी कभार तो उस चीज के लिए सेल का वेट करते हो कि कब सेल लगेगी और ये दाम सस्ता होगा और मैं खरीदूंगा। यही चीज हमें शेयर बाजार में भी फॉलो करनी होती है, लेकिन ज्यादातर छोटे इन्वेस्टर्स उल्टा करते हैं। खरीदने के बाद अगर शेयर ऊपर जा रहा है तो अच्छा बोलेंगे उसे, और नीचे चला गया तो खराब बोल के अवॉइड करने लगेंगे और लॉस भी बुक करेंगे कभी कभार। लेकिन आज दोस्तों एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर के आईपीओ की बाजार में थी लिस्टिंग, और लिस्टिंग हुई 8% सुस्त गिरावट के साथ। लेकिन आईपीओ सबको पता था, ये कंपनी के बारे में सबको पता था कि कंपनी ये स्ट्रांग है। मैंने इस आईपीओ के ऊपर दो वीडियोस बनाई थी, दोनों में एक ही चीज बोली कि आईपीओ में पैसा लगा रहे हो तो लिस्टिंग गेन्स के लिए मत लगाना भाई। 5% 10% ऊपर नीचे कहीं भी चला जाए कोई बड़ी बात नहीं है। पैसा लगा रहे हो तो 2-3 साल, और अगर आप एक पोर्टफोलियो स्टॉक चाहते हो तो ये उस कैटेगरी का स्टॉक है। एक ब्रांड वैल्यू है और एक ग्रुप वैल्यू है, दोनों इस कंपनी के पास है। शाहपुर जी पलून जी ग्रुप का हिस्सा है और कंपनी खुद में ही एफकॉन्स का एक बड़ा नाम है। ये देश का नाम रोशन करने का काम करती है कंपनी, कोई छोटे मोटे काम नहीं करती। आप और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी कंपनियों को देखो, आपको मिलेगी ऑर्डर बुक उनके मार्केट कैप से 5 गुना 10 गुना, लेकिन वो ऑर्डर बुक उनको पैसा बना के नहीं देती। लोएस्ट बिडर बनते रहेंगे, ये रोड बनाना है हम सबसे सस्ता बना देंगे, वो चीज बनानी है हम सस्ती बना देंगे, और इसके चलते ऑर्डर बुक बढ़ती रहती है लेकिन पैसा बनता ही नहीं है। लेकिन एफकॉन्स ये वो काम करती है जो बाकी के लोग कर ही नहीं पाते, सोचेंगे भी नहीं, ये वो काम करके दिखा देते हैं, और उसमें ये पैसा बनाते हैं, मार्जिन्स बनाते हैं, और लॉन्ग टर्म में ये आपके लिए पैसा बना के देगी कंपाउंडिंग के पावर से, ऐसा हमारा मानना था। ये मतलब एक रिसर्च करने की जरूरत पड़ती है कंपनी पे। यहां आप सिंपल नाम को देखकर भी, कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं कि नाम देखकर पैसा लगा दो लॉन्ग टर्म में बना देती हैं, जिसमें हम जिसे हम कहते हैं स्टॉक मार्केट की लैंग्वेज में टॉप मोस्ट ब्लू चिप या ब्लूएस्ट ऑफ ब्लू चिप कंपनीज, लाइक आपका हिंदुस्तान यूनिलीवर जो चलता नहीं है वो बात अलग है, लेकिन पावर उस कंपनी के पास बहुत है वो हमें नहीं भूलनी चाहिए। लाइक ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज, HDFC बैंक, इंफोसिस, TCS, एशियन पेंट, अब इनमें से कुछ स्टॉक्स हैं जो अभी नहीं चल रहे, लेकिन आप इनका इतिहास उठा के देखो आपको दिखेगा कितना बड़ा पैसा इन्होंने बनाया और आगे फिर से बनते हुए दिखेगा आपको, बीच के 2-4 साल खराब निकल रहे हैं अभी। तो ये उन टाइप की कंपनी है। L&T इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे बड़ा नाम है, 5 लाख करोड़ से ज्यादा की ऑर्डर बुक उस कंपनी की, उस प्रकार की कंपनी है एफकॉन्स। मैंने इस कंपनी का मैनेजमेंट आज जी बिजनेस पे आया था, वो सिंपल बता रहे थे कि उनकी जो ऑर्डर बुक अराउंड 45,000 करोड़ समथिंग है, 45 या 25, मुझे एग्जैक्टली अमाउंट याद नहीं आ रहा है। अब इस कंपनी के बारे में बात करें तो आज इसकी लिस्टिंग थी, लिस्टिंग सुस्त हुई लेकिन एट द एंड हरे निशान में आया आईपीओ, पहली बात और बड़ी बात। अब जो चीज मैं आपको बताने वाला हूं वो आपको हिला के रख देगी। 2.5% शेयर ऊपर बंद हुआ है, पहले बता दूं मैं आपको। इसके आईपीओ में लिस्टिंग पे दोस्तों पता है आपको किसने खरीदारी करी है, जब ये स्टॉक नीचे ओपन हुआ 440 रुपीज के आसपास दो बड़े दिग्गज नाम उन्होंने एफकॉन्स के शेयर में लिस्टिंग के बाद सस्ते दाम पे खरीदारी करी ओपन मार्केट से। आईपीओ में तो मिलता ही कितना है दोस्तों, लेकिन मिलता है आपको आईपीओ के बाद लिस्टिंग पे जितना चाहिए उतना मिलता है, और यहां पे नाम सामने आता हुआ दिखा है दोस्तों, गोल्डमैन सैक्स का एंड नोमूरा का, जिन्होंने इसके आईपीओ में लिस्टिंग के बाद खरीदारी करी है। तो ये अपने आप में एक बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर दिख रहा है मुझे, मतलब ये आपको दर्शा रहा है कि कितने अच्छे इन्वेस्टर इस कंपनी में खरीदने के लिए तैयार हैं। अब डिटेल सुन लीजिए, गोल्डमैन सैक्स नोमूरा बायज स्टेक इन एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्पाइट म्यूटेड लिस्टिंग, कोई फर्क नहीं पड़ता भैया उन्हें लिस्ट, उनको पता है शेयर अच्छा है।
मार्क्यू फंड गोल्डमैन सैक्स एंड नोमुरा पिक्ड अप स्टेक इन एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर थ्रू बल्क डील ऑन मंडे डिस्पाइट अ नेगेटिव लिस्टिंग एट द बोर्सेस टुडे। यानी कि एक्सचेंजेस पे एक नेगेटिव लिस्टिंग हुई उसके बावजूद इन्होंने खरीदारी करी है। गोल्डमैन सैक्स ने करीब खरीदे हैं 25 लाख शेयर्स और वहीं नोमुरा ने खरीदे हैं 49 लाख शेयर्स। ये भाव आ रहा है 448 रुपए के एवरेज प्राइस पे। सिंपल बोलूं तो देखो इनके लिए कोई बड़ा अमाउंट नहीं है, बड़े शेयर्स नहीं है, ज्यादा नहीं है परसेंटेज टर्म्स में, लेकिन पॉजिटिव आपको तो पॉजिटिविटी मिलेगी ना इससे कि यार कंपनी में खरीदारी कर रहे हैं, वो भी लिस्टिंग पे ही खरीद रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। तो ये चीज मेरे हिसाब से काफी पॉजिटिव है। इन्वेस्टर्स से एक ही कहूंगा, ये लॉन्ग टर्म का स्टॉक है, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो ये आपको पैसा बनाएगा, कंपाउंडिंग से बनाएगा। हालांकि मैनेजमेंट कह रहा था ये करंट वित्तीय वर्ष थोड़ा शांत रहेगा, कोई खास ग्रोथ नहीं आएगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में वापस ग्रोथ जरूर आएगी। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।